गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गुजरात कांग्रेस के दो बड़े चेहरे इंद्रनील राजगुरु और बसराम सागठिया ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। गुरुवार को इंद्रनील राजगुरु और बसराम सागठिया एक साथ आम आदमी पार्टी के ऑफिस पहुंचे और पार्टी की सदस्यता ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इंद्रनील राजगुरु लंबे समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। कुछ दिन पहले ही इंद्रनील राजगुरु ने कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इंद्रनील के कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद माना जा रहा है कि पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता जल्द ही आप में शामिल हो सकते हैं। चुनाव से कुछ वक्त पहले दोनों नेताओं का इस तरह से कांग्रेस छोड़कर जाना पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इंद्रनील राजगुरु ये कांग्रेस का वो चेहरा है जो 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सामने चुनावी मैदान में उतरे थे। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव इस साल नवंबर या दिसंबर में होने की संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य में वर्तमान सरकार का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो जाएगा। राज्य में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का शासन है। राज्य में 182 विधानसभा सीटें हैं और विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी या पार्टियों के गठबंधन को 92 सीटें अपने पक्ष में करने की जरूरत है, जिसके लिए सभी पार्टियां अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट।